तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जा रही रिंगस, और दिखाऊंगा आपको रास्ते के बढ़िया बढ़िया से अट्रैक्टिव नजारे और कैसे हम जाते हैं। पूरी जर्नी आप देखना, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस चलते हैं, अब हम खाटू श्याम के लिए रवाना होते हैं और मिलेंगे बाबा से। लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी। टाइम 2 बजे का हो चुका है और हमें पहुंचना है रेवाड़ी। रेवाड़ी में ट्रेन है अपनी शायद 5 या 6 बजे के आसपास, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। रोड पे है बहुत सारा ट्रैफिक, मैंने ऊपर से देखा था। अगर होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी भी जाम लगा हुआ है बहुत जबरदस्त वाला। सच बोलो, देख पा रहे हो आप। फाइनली ऑटो हमें मिल गया है मेट्रो तक के लिए। ट्रैफिक लगा हुआ था काफी सारा छतरपुर वाले रोड पे। किस ये अभी भी जाम लगा हुआ है तेज वाला। पता नहीं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। प्रदीप भाई वहां पहुंच जाएंगे, टाइम से नहीं पहुंच पाए तो ट्रेन निकल जाएगी अपनी। अब बोला तो उसने पहुंचने के लिए, यही बज चुके हैं, 2 बजे में निकला था। तो अभी मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं। तकरीबन 5 मिनट का सफ़र आधे घंटे में पूरा हुआ है हमारा। अब सामने है मेट्रो स्टेशन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये छतरपुर का मेट्रो स्टेशन। एंट्री हो चुकी है अपनी रेवाड़ी। प्लेटफार्म पे हम आ चुके हैं, 5 नंबर पे अपनी ट्रेन आने वाली है। तो गाइस बहुत जबरदस्त वाली भीड़ हो चुकी है बहुत, और सीट तो है नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये देखो अंदर की तरफ। ये टोटली रिजर्व कंपार्टमेंट है। ये जो ट्रेन होती है इसमें रिजर्व में ही जाया जाता है, और आप देख लो रिजर्व का ये हाल है। सीट तो खैर भूल जाओ, और बैठने की तो जगह है ही नहीं, और पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। तो अपनी ट्रेन चल चुकी है। यहीं आए तो दूसरी आई है, चल गई भाई, चल गई, चल गई ट्रेन, चल गई भाई। बहुत भीड़ हो रही है यार, सीट भीड़। जय श्री श्याम, जय। तो गाइज अभी देखेंगे किसी ने हमारे डब्बे में से चैन खींच दिए। जो आवाज आ रही है ना आप सुन पा रहे हैं, आप किसी ने चैन खींच दी, गलती से खींची है, पता नहीं जान के खींची है, और ट्रेन रुक गई है बीच में। ये ना तो रेवाड़ी है, रेवाड़ी से आगे है कम से कम 5 किलोमीटर, हम आगे आ चुके हैं। ये देखिए अब बीच में खड़ी है ट्रेन, पहली बंद हो चुकी है आवाज। अभी चलेगी नहीं चलेगी ये पता नहीं, क्योंकि मैं पता नहीं, मेरे सामने किसी ने चैन खींची है, चैन खींची है, अंदर ही किसी ने खींची ली। गाइस हम लोगों की एंट्री हो चुकी है, नीम का थाना स्टेशन जा चुका है। अब जाके थोड़ा रश कम हुआ है, आप देखेंगे। पहले इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और वो देखो भाई तो ऊपर ही चढ़ के बैठ गया, इसको तो रिलैक्स मिल रहा है, आप देखो फुल मस्ती करते हुए। तो यही बात है, सफ़र में ही असली मज़ा आता है। अभी भाई अपना चैनल बहुत जल्द डालेंगे, उसका भी लिंक वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहिए। तो फाइनली हम लोगों को सीट मिल चुकी है। प्रदीप भाई तो इस पे ही बैठ चुके थे, प्रदीप भाई ने काफ़ी टाइम तक इस पे अपना टेके रखा।
श्री श्याम, जय 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 श्री श्याम। गस स्टेशन पर और जयकारे से आप आइडिया लगा ही रहे हो कि कितना जोश भरा हुआ है भक्तजनों में। जयकारे लगते हुए बाबा के हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम, जहां रिंगस स्टेशन है और पीछे आप देख पा रहे हैं ये है रिंगस स्टेशन। स्टेशन है जो खाटू श्याम के नज़दीक है और यहीं से हमें जिप्सी वगैरह बसेस मिलती हैं वो खाटू श्याम जाने के लिए। तो गाइस हम लोग स्टेशन से बाहर अब आ चुके हैं और यहां से हमें जिप्सी वगैरह मिलती है। आप देख पा रहे होंगे पीछे से 50 रुपये पर सवारी यहां पे प्राइस है। तकरीबन 16 किलोमीटर यहां से पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहां से निशान भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बाबा का निशान उठा करके लोग मंदिर में चढ़ाते हैं और जिप्सी वगैरह आपको स्टेशन के जस्ट बाहर ही मिल जाएगी। ऊपर बर्फ बनाएगा भाई हमारी, ये देखो देखो ऊपर बिठा रहा है वो, ऐसे आपको बिठा करके ले जाएंगे जी। पहले मैंने बोला था भाई को पैदल चलेंगे लेकिन नहीं भाई, ये नहीं माने, सर्दी जीत गई और प्रदीप भाई हार गए। सो गाइस यही रास्ता है खाटू श्याम बाबा के दर पे जाने का। सो गाइस आप देखेंगे आगे रोड बंद कर रखा है, हम जा नहीं सकते। अब ये हमारे भाई हैं जिप्सी वाले, इन्होंने खूब यह रास्ता निकाला है जाने के लिए। भाई कौन से रास्ते से ले जाओगे? देख लेना भैया कौन सा रास्ता है। मस्त प्लान है। अभी भाई ने बहुत खुफिया रास्ता निकाला है, फोन करके पूछा है अपने गुर्गों से कि भाई कहाँ से जाए कहाँ से जाए। तो अभी देखो आपको दिखाएंगे खुफिया रास्ता, आप भी देख लेना वीडियो में, शायद आपके भी काम आए। पार्किंग के अंदर से रास्ता देखिए, यह है होटल सनशाइन और इसी के बगल से है रास्ता। रोड की हालत कुछ इस तरह से है। भाई को डर है कहीं ऐसा ना हो कल को फिर नया रास्ता खोजना पड़े। अच्छा है मैं अंधा हूँ। किसे बनाया हुआ रोड, यहाँ भी मंगवाई हुई है, इस रोड को पक्का बनाया जाएगा। तो जो भी हम ये देख लिए, हमने चौकी पार कर दिया। आखिर अभी ये देखिए गाइस, ये पीछे बैरियर लगे हुए हैं और हम आ गए हैं बैरियर पार। गाइस ये देखिए पार्किंग मिला मैं, ये देखिए अब सीधा हमारा द्वार तोरण द्वार तक हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे सामने है तोरण द्वार। तो गाइस देखा आपने ये कितना बढ़िया रास्ता था, डायरेक्ट तोरण द्वार तक हमें पहुंचा दिया गया है। ऊपर भी चढ़े हुए हैं ऊपर। हाँ क्या बात कर रहे हो, इस देखिए तो मैं कितना क्रेज है, ऊपर भी चढ़ के आ रहे हैं और मौसम सर्दी का हो जाता है राजस्थान में। दिन में तो गर्मी रहती है और रात को जैसे जैसे शाम होती है तो ठंड बढ़ने लग जाती है। देख रहा ये भाई हमारे ऊपर जिप्सी पे बैठ के आए, देखो बाबा का कितना क्रेज है, ना ठंड लगे ना गर्मी लगे। भाई कैसा भाई लगा ऊपर बैठ करके ये बताओ जरा। भाई ठंड लगी पर मजा आ गया बाबा, मजा आ गया, मतलब सफल होगी यात्रा, जब दर्शन होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भाई क्या आ रहे हो यहाँ पे, काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए, हम तो हर महीने आया करते। अच्छा बाबा के जन्मदिन के बाद आज आए हैं। अच्छा 4 नवंबर के बाद। बढ़िया था हमने तोरण द्वार पे। अच्छा यहाँ जो तोरण द्वार है, तो भाई नाम बता दो अपना, के नाम है मेरा और आप खेला भाई और शुभम नाम है। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो गाइस देखेंगे ये है श्री श्याम का तोरण द्वार, जहाँ से भक्तजन खूब नाच कूद करके ढोल बजा के वीडियो सेल्फी वगैरह लेते हुए आप देख पा रहे होंगे। ये है बाबा का क्रेज क्योंकि 6 तारीख को ही मंदिर खुला है।
देखा आपने भक्तों में कितना उत्साह है, कितना जोश के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और क्या बताएं, बस ये बाबा के दीवाने ही बता सकते हैं। ये पीछे देखे तोरण द्वार, और यहाँ के बड़ा मजा आ रहा, आप भी देखिए और इंजॉय करिए। देखें कैसे ढोल नगाड़े बजे हुए हैं और भक्त नाच गा के खुशियाँ मना रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने टाइम बाद बाबा के द्वार खुले हैं। ये देखिए, यही तो है बाबा के दीवानों में एक अलग सी लहर जीत की, कि वो दोबारा जीत गए बाबा को पाने में, क्योंकि नवंबर में बंद हो गया था और 6 तारीख को खुलते ही देखो क्या मंजर है, और बाबा के जयकारों के साथ। तो गाइस देखिए, रात के 10 बजे हुए हैं और अभी भी कितना रश हो रहा है बाबा के भक्तों का। भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें हैं गाइस, और कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ का, अलग ही एक रौनक है मेले की के पूछो ही मत। इतनी एनर्जी के साथ लोग आए हुए हैं कि कब के भूखे थे बाबा के दर्शनों के लिए, कि क्या बताएं, कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। तो गाइस देख पा रहे होगे आप, ये है पेड़े, चूरमा और काफ़ी सारी चीज़ें जो बाबा को भोग लगाते हैं लोग प्रसाद के रूप में सभी भक्त। मंदिर से जैसे दर्शन करके आते रहेंगे, यहाँ से एग्जिट होगा तो काफ़ी व्यवस्था, काफ़ी सुधार हो चुका है। जो पहले कई कई घंटे लगते थे, अब उसको मिनटों में तब्दील कर दिया है नए रास्ते से, क्योंकि बाबा का भक्त बढ़ते जा रहे हैं। गाइस देखेंगे आप लोग के भक्तों ने नारियल बांधे हुए हैं भैया। गाइस देखेंगे रात में है कुछ ऐसा नज़ारा मंदिर के बाहर का। अभी मेले के कारण मंदिर 24 घंटे के लिए खुला हुआ है, तो कभी भी आ सकते हैं दर्शन करने। हो सके तो सैटरडे संडे को स्किप करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, और वैसे अब तो क्राउड रहेगा ही क्योंकि मेले का टाइम चल चुका है। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय श्री शाम।